तो आज हम जाने वाले हैं पार्वती टेम्पल। आज ये मेरा पहला ब्लॉग है जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। आज हम ले चलेंगे आपको आसाम के कामरूप के बोको में। चलिए चलते। पहले तो मुझे धुबरा पहुंचना होगा। धुबरा पहुंचने में अभी 5 किलोमीटर और बाकी है। धुबरा पहुंच के मैं फिर जाना पड़ेगा बंदाबरा। बंदाबरा में जा मेरे दोस्त इंतज़ार कर रहे होंगे, वेट कर रहे होंगे। और वैसे दोस्तों पहला पहला ब्लॉग बनाने में थोड़ा नर्वसनेस होता है। चलिए हम ये कंटिन्यू कर पाते हैं कि नहीं देखते। बहुत नर्वस हो रहा है, लोग घूर घूर के देख रहे हैं तो मुझे थोड़ा यू नो नर्वसनेस। तो चलिए तो ये हम पहुंच गए धुबदरा टाउन। तो हम अभी हाईवे पे है। बंदापारा सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पर है। तो नर्वसनेस बहुत होता है जब लोग घूर घूर के देखते हैं, ऐसे ऐसा करते हुए। इग्नोर करना चाहिए यार, नहीं करते। तो ये हम पहुंच गए गोंडापारा। तो यहाँ पर मैं अपने दोस्त का इंतज़ार करते हुए, अभी तक आया नहीं है, आएगा तो दिखा दूंगा। तो आ गया मेरा दोस्त, आ गया। 30 मिनट वेट कराया इसने। चलो भाई चलते। की हो रहा? तो हम अब सीधे चलेंगे बोको, कहीं भी नहीं रुकेंगे। बोरा मेरा दोस्त आगे और मैं पीछे। मुझे पता नहीं है कि पार्वती टेम्पल कहाँ से जाता है, कौन से रास्ते से जाता है, तो उसको मैं आगे भेजूंगा। कुछ भी होगा तो वो आगे आगे जाएगा, मैं पीछे जाऊंगा, ठीक है। तो ये राजापारा है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े होटल्स हैं। राजापारा में होटलों की कमी नहीं है, हर जगह होटल होटल है। मैंने जरा पान खाया है, पान अच्छा लगता है मेरे को। गांव का लौंडा होना पान खाएंगे ही, सॉरी अगर किसी को बुला लगा। तो हम राजापारा पहुँच गए और 10 किलोमीटर की दूरी पे बोको है। तो ये हम पहुँच चुके हैं बोको जंगल। बोको का जंगल में पहुंच गए हम साइकिल से। तो बहुत थक गए, शायद 30 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हम चलते ही आ रहे हैं। वो दोनों अभी भी आगे हैं। तो दोस्तों इसी तरह हम पहुंच चुके हैं बोको, आ गए हम बोको। चले फुटबॉलर के बच्चे इतने आगे निकल गए थे। रुक गया इधर। टोटल 30 किलोमीटर। तो अभी हम गन्ने का जूस खाने के लिए रुके हैं। तो हमें बोको पर पटिभार यहाँ से जाना है। यहाँ से हम जा सकते हैं बोको पर्वती पहाड़, पर्वती टेम्पल। वो दोनों फिर से आगे निकल गए, मुझे ज़ोर से जाना पड़ेगा, आप लोगों को मैं दिखाते रहूँगा। तो कीप इट अप। पहुँच गए हम, ये देख सकते हैं श्री श्री माँ पार्वती मंदिर लोए जुआ पोड। ऐसे अब जाना पड़ेगा। ओह लोग कभी भी है। तो आ गया मैं सस्ता ब्लॉगर, मेरे दोस्त। तो इधर आप सब देख सकते हैं गर्लफ्रेंड के साथ, एक साथ नहीं बैठ सकते और दारू वारू नहीं पी सकते। हाँ फुल बैन, फुल्ली बैन, कभी मत लाना भाई, कभी मत लाना।
दारू और गर्लफ्रेंड। ये आ गए हम और ये पहला मंदिर, शायद कार्तिक है। हाई वॉल्यूम म्यूजिक प्रोहिबिटेड। और पहुंच गए अपनी मंजिल। वॉइस का तो ट्यून ही बदल गया। और चप्पलें अलाउड नहीं है, चप्पल और जूते। हाँ नाइक का जूता है ना। गुफा, अरे नहीं, हमारा तो सस्ता सैंडल है। और नाइक और गुफा, और चलते हैं, चलते हैं, चलते जाओ। अगर कोई पाप करता है तो या नहीं सर पाता तो इसका मतलब हम पवित्र है। और देखिए सुंदरता, ये देखो ये लेट गया है बेचारा। हाँ नजारा था, अरे हाँ दिखा ही रहा हूँ। और देखिए ये रहा नज़ारा, पहुँच गए सक्सेसफुली। ये देख सकते हैं मंदिर, वहाँ उंगली नहीं दिखा सकते, आप लोग जान ही गए होंगे। श्री श्री पार्वती मंदिर। हमारा भाई उठ गया है, बहुत थका हुआ है। ये देख सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुल है, कितना ब्यूटीफुल। देखिए देखिए कितना हरा भरा। ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हो आप, शायद तो देख भी नहीं सकते, आपकी मर्जी। देखिए तो हमारा हो गया, तो हम अभी चलने के लिए रेडी है घर। तो आज के लिए इतना ही, बाय टाटा।